Hi students, I am Kanan Saxena, back again with yet another topic of yours, that is causes of success of insects. Last topic jo humne cover kiya tha, that was classification of insects up to orders and suborders. तो आज की तारीख में क्लास इंसेक्टा या इंसेक्ट्स जो हैं वो वर्ल्ड को डोमिनेट करने वाले एनिमल्स हैं. हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के बाद इंसेक्ट्स ही हैं जो कि अर्थ पर या वर्ल्ड में अपनी सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं. मोस्ट सक्सेसफुल इवोल्यूशनरी ग्रुप ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स माना जाता है इनको, क्योंकि ये एंटार्क्टिका से लेकर ट्रॉपिक्स तक, हवा से लेकर पानी तक, डीप सी में या ज़मीन पर या डेजर्ट्स में, केव्स में और पहाड़ों तक पर भी ये इंसेक्ट्स पाए जाते हैं. मींस वेरिड हैबिटेट्स में ये इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं. यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 5-6 इंसेक्ट्स दिखा सकती हूँ. अब इंसेक्ट्स का सबसे अच्छा क्वालिटी इनकी क्या है इनके अंदर, कि दे सर्वाइव बाय अडेप्टिंग. अपने जिस हैबिटेट में रह रहे हैं, जिस नीचे में रह रहे हैं, उसमें ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. द रिमार्केबल एक्सप्लोजन ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट लाइफ स्टाइल इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू कॉलोनाइज हाईली डाइवर्स नीचेज. बिल्कुल अलग अलग हैबिटेट्स में, अलग अलग जगह पर ये अपने आप को रहने के लिए अडेप्ट कर लेते हैं. ए हॉट एंड एरिड क्लाइमेट से लेके बिलो ज़ीरो, सब ज़ीरो क्लाइमेट में भी ये इंसेक्ट्स पाए जाते हैं. अपनी बॉडी का टेम्परेचर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं याद रखिए, तो क्या होता है कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये रेगुलेट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी ये डेसिकेशन मींस बहुत ड्राई क्लाइमेट और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स को भी सर्वाइव कर जाते हैं. और ऐसा इसलिए होता है कि इनमें कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम ग्लिसरॉल या सॉर्बिटॉल कहते हैं. ये एक प्रकार के अल्कोहल्स हैं. उनको ये अपने ऑर्गन्स में, स्पेसिफिक ऑर्गन्स में ये स्टोर करके रखते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये डेसिकेशन को या फ्रीजिंग टेम्परेचर्स को अवॉइड कर पाते हैं. इंसेक्ट्स का बहुत गहरा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है. ये धरती पर सब जगह पाए जाते हैं. ये हर ऑलमोस्ट हर फूड वेब का या का पार्ट होते हैं. फूड वेब में तो खैर पाए ही जाते हैं, ये काफ़ी सारी फूड चेन्स में भी इंसेक्ट्स जो हैं वो इनिशियल पार्ट, बेसिक पार्ट बनते हैं फूड चेन का. इंसेक्ट्स ह्यूमंस पर भी इक्वली उतना है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं. पूरी मेडिकल एंटोमोलॉजी जो है वो इसी पर बेस्ड है. अब उनको बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं इंसेक्ट्स, जिनमें से मलेरिया और आजकल तो जीका, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, ये सारी ये चीज़ें जो हैं वो इन्हीं से आ रही हैं. तो दे फीड ऑन द सेम थिंग्स वी लाइक टू ईट. हम जो खाते हैं उसी पर ये भी खा लेते हैं, उन चीज़ों को ये भी खाते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, दे हैव जस्ट अगेन अनदर विनिंग एज ओवर अस. मतलब हमारे साथ साथ जो हमारा खाना है वो इनका भी खाना है. इनका जो खाना है वो हमारा नहीं है, लेकिन हमारा खाना जो है, हमारा फूड जो है वो इनका भी है. फिर इंसेक्ट्स हमारे बहुत काम के होते हैं. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसलिए भी क्योंकि पॉलिनेशन का काम करते हैं. ये इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमको फ्रूट्स जो है वो प्राप्त होते हैं. फिर फ्रूट्स, यहाँ पर फ्रूट्स से मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो है वो सब पॉलिनेशन पर डिपेंडेंट है, जितने भी हैं, तो वो हमको इनसे मिलते हैं. हमको कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इन पर डिपेंडेंट हैं, या इन पर इनकी वजह से कई सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जैसे कि सिल्क इंडस्ट्री है, डाई इंडस्ट्री है, फिर फूड तो है ही. अब इंसेक्ट्स के कुछ अडेप्टेशंस हैं जो कि उनके इन्वायरमेंट में सक्सेस को कंट्रीब्यूट करते हैं. उनमें से ये 10 पॉइंट्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, जैसे कि एक्सोस्केलेटन है, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, विंग्स हैं, साइज है. इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है. दे हैव द एबिलिटी टू एस्केप एडवर्स कंडीशंस. मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे हैं इनके, शॉर्ट जनरेशन टाइम पाया जाता है इनमें. स्पेशलाइजेशन है इनमें, इनकी बॉडीज में. मेथड्स ऑफ सॉल्विंग वाटर प्रॉब्लम्स, दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इंसेक्ट्स. सबसे पहला फैक्टर है एक्सोस्केलेटन. इंसेक्ट्स जो है वो, उनकी बॉडी जो है दैट इज कवर्ड विद अ हार्ड एक्सोस्केलेटन,
जो कि उनकी बॉडी को किसी भी प्रकार का डैमेज होने से बचाती है, और साथ ही साथ उनकी बॉडी में पानी की कमी को भी रोकती है, पानी की कमी होने को रोकती है। फिर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिनस प्लेट्स से बना होता है, जिस जैसे कि उन्होंने कोई कवच पहना हुआ हो, लाइक आर्मर है ना, तो कवच जैसा उनकी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती है। फिर वो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो इंसेक्ट्स की बॉडी, इंसेक्ट्स में एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर कि उनकी बॉडी की मसल्स अटैच हो सकती हैं। तो एक्सोस्केलेटन जो है वो बेसिकली इंसेक्ट्स को जिंदा रहने में, जीवित रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो काइटिनस प्लेट्स जो मैंने आपको पहले बताई, वो काइटिनस प्लेट्स आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नोन एज काइटिन, और एक वैक्सी लेयर जो होती है वो काइटिन के ऊपर रहती है, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल टिश्यूज जो होते हैं इंसेक्ट की बॉडी को, उनको वो ड्राई नहीं होने देती। तो ये इंसेक्ट की बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क की तरह कार्य करता है एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये इंसेक्ट लेग्स डिफरेंट टाइप्स के मैंने बनाए हुए हैं, इनमें हर एक में आप जॉइंटेड अपेंडेजेस देख सकते हैं। ये देखिए, ये दिस इज अ जॉइंट, दिस इज अ जॉइंट, अनदर, एंड दीज आर टार्साई, हर एक जॉइंटेड है। यहाँ पर देखिए, इधर जॉइंट्स हैं, ये सब जॉइंट्स हैं इनके, दिस इज अ जॉइंट, दिस जॉइंट, सो ऑल हैव जॉइंट। जॉइंटेड अपेंडेजेस पाई जाती हैं, चाहे वो इंसेक्ट के लेग्स हों, चाहे वो इनके एंटीना हों, एंटीन्यूल्स हों। तो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, दे आर मेड अप ऑफ जॉइंटेड, दे आर ऑफ जॉइंटेड, दे आर जॉइंटेड। सो यूजली दीज आर स्पेशलाइज फॉर इंसेक्ट्स लाइफ स्टाइल। यूजली दीज स्पेशलाइज फॉर द इंसेक्ट्स लाइफ स्टाइल। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेग्स इंसेक्ट्स हैव, दीज इंक्लूड द रनिंग लेग्स, कर्सोरियल लेग्स, लेग ऑफ कॉकरोच, सो दिस इज मेंट फॉर रनिंग। कॉकरोचेस आप जानते हो तेज भागते हैं। ये ग्रास हॉपर का लेग है, जिसे सॉल्टिटोरियल या सेल्टिटोरियल लेग कहते हैं, ये जंप करने के काम में आता है। ये नेटिटोरियल लेग है, एक प्रकार का स्विमिंग लेग है जो अक्वाटिक इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ये फॉसोरियल लेग है, जो इंसेक्ट सॉइल में रहते हैं, तो वो सॉइल में डिग करने के लिए, सॉइल को डिग करने के लिए, देखिए आप यहाँ पे कितना स्टाउट टाइप है इसका, ये जो पार्ट है, जो ये फॉसोरियल लेग है। देन दिस इज अ रेप्टोरियल लेग, ये यहाँ पर रेप्टोरियल मीन्स ग्रेस्पिंग, पकड़ने के काम में आने वाला। ये एक प्रेइंग मैंटिस का लेग दिखा रहा है यहाँ पे। प्रेइंग मैंटिस में क्या होता है, लेग ये पकड़ने के काम में आता है, किसी भी चीज़ को, किसी प्रे को पकड़ने के काम में आता है, इट्स नोन एज रेप्टोरियल लेग। फिर ये हनी बी का लेग है, जो पॉलन कलेक्ट करने के काम में आता है। यहाँ पर इसके पॉलन बास्केट प्रेजेंट होती है इसमें, जहाँ पर ये पॉलन कलेक्ट करके लेकर आती है अपने हाइव तक वापस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज विंग्स। इंसेक्ट्स के अंदर विंग्स पाए जाते हैं। ये पहले ऐसे जंतु हैं जो कि टेरेस्ट्रियल से एरियल एनवायरनमेंट में रहने के लिए आए। तो क्या हुआ कि इनको जो जो ज़मीन पर जो कंपटीशन फेस करते थे हैबिटेट के लिए, वो इनके लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि ये एरियल इन्वायरमेंट में आ गए। एरियल इन्वायरमेंट ह्यूज है वहाँ पर, इनको क्योंकि कम थी पॉपुलेशन वहाँ पे रहने वालों की, इसलिए इनको खूब लॉट्स ऑफ स्पेस मिल गई और खूब सारे रिसोर्सेज मिले जिनसे कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ सकी, इनका नंबर बहुत बढ़ सका। तो इसीलिए इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन सडनली एकदम से, जैसे क्योंकि इनका हैबिटेट चेंज हुआ, एकदम से इनकी पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन पाया गया। अब विंग्स जो है, अगेन वो इनकी सक्सेस का कारण देख लीजिए आप, एक प्रकार के मतलब जो विंग्स, अर्ली विंग्स डेवलप हुए इंसेक्ट्स ने, जिन्हें हम पेलियोप्टेरा कहते हैं, उनमें ये विंग्स देखिए स्ट्रेट विंग्स हैं। ये एब्डोमन पर फोल्ड होके नहीं रखे जा सकते, जैसे कि ये ऑर्डर पेलियोप्टेरा का इंसेक्ट है। इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्प्रेड है ये विंग्स जो हैं, जबकि जो नियोप्टेरा के इंफ्रा क्लास, नियोप्टेरा के जो इंसेक्ट्स हैं, दिस इज इंफ्रा क्लास पेलियोप्टेरा, दिस इज इंफ्रा क्लास नियोप्टेरा। इसमें देखिए यहाँ पर विंग्स जो हैं वो एब्डोमेन पर वेल फोल्डेड हैं, हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं इंसेक्ट के, अगर आपने कभी कॉकरोच के विंग्स स्ट्रेच करके देखे हो, और नहीं तो फिर आगे दिखाएंगे आपको नेक्स्ट। फिर साइज जो है इंसेक्ट्स का, वैसे तो नॉर्मली इंसेक्ट्स आर स्मॉल इन साइज, और कुछ बड़े इंसेक्ट्स होते हैं, लेकिन बड़े से बड़े इंसेक्ट भी दे आर स्मॉलर इन साइज। तो क्या इस इनके पास उससे फ़ायदा इनको ये होता है कि ये आराम से छोटी छोटी जगह में भी छुप सकते हैं, क्रैक्स में, क्रिवाइसिस में, बहुत छोटे पेड़ के अंदर, एक पेड़ के अंदर हज़ारों इंसेक्ट्स आपको मिल जाएंगे।
तो एक बर्ड के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे, बर्ड के फेदर्स पे आपको, तो दे आर इजियर टू डिस्पर्स और आराम से ये फैल सकते हैं, जो इंसेक्ट्स जो होते हैं उड़ सकते हैं, तो चले जाते हैं। फिर इनको, क्योंकि बॉडी छोटी है इसलिए इनका फूड का रिक्वायरमेंट जो है वो भी बहुत ही कम होता है। फिर अनदर सुपर एज इनके पास जो होती है वो है मेटामॉर्फोसिस की। इंसेक्ट्स जो हैं वो इनमें मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, कुछ इंसेक्ट्स में, सब में नहीं है, अलग अलग टाइप्स के हैं मेटामॉर्फ इंसेक्ट्स होते हैं, लेकिन जिनमें मेटामॉर्फोसिस होता है उनमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल में। जैसे कि ये दिखाया है यहाँ पे मॉस्किटो की लाइफ साइकिल, इसमें ये एग है, एग्स हैं, फिर पानी में ले करता है मॉस्किटो एग्स, फिर दिस इज द लार्वल स्टेज, ये भी पानी में ही रहता है, और ये प्यूपल स्टेज है, दिस इज ऑल्सो फाउंड इन वाटर, एंड देन द अडल्ट इमर्जेस आउट ऑफ वाटर एंड बिकम्स एरियल। यहाँ पे ये उड़ने के लायक होता है, यहाँ पे पंख भी दिखाया है देखिए इसका। तो जो मेटामॉर्फोसिस है वो इनको अलाउ करती है कि ये अलग अलग हैबिटेट्स में, देखिए यहाँ पे एयर में एंड दिस इज वाटर, तो यहाँ पे अलग अलग हैबिटेट्स को ये एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इंसेक्ट्स। इसीलिए इनमें मेटामॉर्फोसिस जो है वो इनको इनकी एक सक्सेस का कारण बनता है। फिर डिफेंस इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है, एक तो सबसे बड़ा डिफेंस क्या है कि उड़ सकते हैं, तो ये इजीली अपने प्रिडेटर से या इनको खतरा जिनसे होता है उनसे दूर भाग सकते हैं, आराम से उड़ सकते हैं। फिर सामने दिखते हैं, छोटे होते हैं इसलिए आराम से ये छुप सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। कई बार इंसेक्ट इनके अंदर कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स में अलग अलग इनके अटैक मैकेनिज्म्स होते हैं, इनके पास स्टिंग होता है कई इंसेक्ट्स के पास, जैसे आप हनी बी के अंदर देखें तो उनके पास ब्रूट फोर्स कह रहे हैं हम उसको, ऐसी चीज़ों को जिससे कि ये अटैक कर सकते हैं या बच सकते हैं, अपना डिफेंस भी कर सकते हैं, अपना डिफेंस कर सकते हैं। तो या फिर ये कई बार इंसेक्ट्स की शक्ल ऐसी होती है, बहुत दिखने में ऐसे होते हैं वेयर्ड, तो ये डरा भी सकते हैं, कई बार स्कैरी हो जाते हैं। देन इंसेक्ट्स के अंदर एक मैकेनिज्म पाया जाता है जिसे हम डायपॉज कहते हैं। डायपॉज मीन्स एक क्वेसेंट पीरियड होता है जिसमें बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मिनिमम पर आ जाती हैं। तो पीरियड ऑफ, इसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ स्लो डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। ये इसलिए पाया जाता है जैसे कि इंसेक्ट्स जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं, जैसे कोल्ड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है या पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, तो उस समय में इंसेक्ट्स डायपॉज में चले जाते हैं। और अगर विंटर में अगर ये डायपॉज में जाते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड की वजह से, देन इट इज़ नोन एज हाइबर्नल डायपॉज। और अगर ये गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हॉट टाइम्स हों तो उस समय में ये ईस्टिवल या एस्टाइवल डायपॉज में चले जाते हैं गर्मी में। पानी की समस्या को सॉल्व करने के लिए इंसेक्ट्स के पास कुछ मैकेनिज्म हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक काइटिनस लेयर होती है इनकी, एक्सोस्केलेटन जो होता है उसके ऊपर एक वैक्स की लाइनिंग होती है, वैक्स लेयर होती है इनकी क्यूटिकल पे, जो कि वाटर लॉस को होने नहीं देती है, बाहर वाटर को नहीं निकलने देती है। फिर ये अपने अपना जो मेटाबॉलिक वाटर है जो इनकी बॉडी में जनरेट होता है मेटाबॉलिज्म से, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं इंसेक्ट्स। फिर पानी जो होता है, एयर का जो वाटर होता है उसको ये कंडेंस कर पाते हैं जिससे कि मैक्सिमम वाटर को रिटेन कर सकें। फिर इनमें एक्सक्रीशन जो होता है, दैट इज़ एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है, ना कि यूरिया, जिसको कि एक्सक्रीट करने के लिए पानी की बहुत बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इसीलिए इंसेक्ट्स जो है वो अपनी ये वाटर प्रॉब्लम जो है उसको हैंडल कर लेते हैं। फिर इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है इंसेक्ट्स। शॉर्टेस्ट जनरेशन टाइम जैसे कोट किया गया वो एक एप्पल ग्रेन एफिड है, जिसमें कि जो लाइव यंग जो होता है वो सिर्फ 4.7 डेज, मतलब पैदा होने के सिर्फ 4.7 डेज तक जीवित रहता है, उसमें तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। डिफरेंट अदर एफिड्स भी हैं जो कि बहुत छोटी लाइफ साइकिल होती है, वो 5 to 7 डेज तक जीवित रहते हैं, 5 to 7 डेज में उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, पैदा होने के 5 to 7 डेज में। फिर इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है मीन्स रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो गया इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। तो सच रैपिड ब्रीडिंग एफिड्स, कुछ रैपिड मतलब बहुत जल्दी ब्रीड करने वाले एफिड ऐसे भी होते हैं, एफिड्स आर सम अ टाइप ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये रैपिड ब्रीडिंग एफिड्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो पार्थिनोजेनेटिक होते हैं। पार्थिनोजेनेटिक मीन्स
विदाउट फर्टिलाइजेशन एग लेइंग हो जाती है इनके अंदर, तो दे आर सो प्रोलिफिक, प्रोलिफिक मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में जन्म लेते हैं, कि जब ये कि ये पैदा होते हैं तो जो इनके जो एम्ब्रियोज होते हैं उनके ऑलरेडी उनके अंदर इनके बच्चे होते हैं एम्ब्रियोज में ही, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। फिर कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये हनी बी है, इट्स टर्माइट, एंट्स, दीज आर वैस, दीज आर ऑल सोशल इंसेक्ट्स। तो सोशल बिहेवियर जो होता है वो इनको बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें एक ग्रुप में इंसेक्ट्स जो है वो लार्ज स्मॉल और लार्ज ग्रुप्स में रह रहे होते हैं, और डिफरेंट डिफिकल्ट पीरियड्स को ये सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। उसमें ये कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फूड गैदरिंग का काम कर रहे हैं, कुछ क्या बोले हाइव जैसे अगर हनी भी है तो वो अपने रहने की जगह की सुरक्षा कर रहे हैं, तो सोल्जर्स की तरह कार्य कर रहे हैं, कुछ नर्स की तरह काम करती हैं, कुछ इंसेक्ट्स जो कि जो डेवलपिंग लार्वे होते हैं उनको बड़ा करते हैं, तो कुछ जो जो फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं, कुछ टेम्परेचर कंट्रोल का काम करते हैं, अपने विंग्स से हवा करते हैं, फैनर्स बोलते हैं उनको हम, तो टेम्परेचर कंट्रोल का काम करते हैं। कुछ जो होते हैं वो कॉलोनी मेंटेनेंस का काम करते हैं, कहीं कॉलोनी टूट गया कहीं कोई पार्ट कहीं कुछ हाइव का या कॉलोनी का, तो वो उसको रिपेयर करेंगे। तो ऐसे अलग अलग काम इनमें डिवाइडेड होता है, विच इज़ नोन एज डिविजन ऑफ लेबर। तो जहाँ पर मिलजुल कर काम करते हैं वहाँ पर इनमें सोशल बिहेवियर, ऐसे इंसेक्ट्स को हम सोशल बिहेवियर वाले इंसेक्ट्स कहते हैं, विच इज़ बेनिफिशियल टू देम। फिर इंसेक्ट्स की सक्सेस का एक पॉइंट ये है कि वो प्लांट्स के साथ साथ इवॉल्व हुए। इंसेक्ट सिर्फ प्लांट्स को खाते ही नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये इंसेक्ट ने इसको लीफ को खाया हुआ है यहाँ पे, ये कैटरपिलर्स आर वोरेशियस ईटर्स, खूब खाते हैं कैटरपिलर्स, एक्चुअली में क्या बोलेंगे हम, इनके ईटिंग मशीन्स होती हैं इंसेक्ट्स के अंदर, कैटरपिलर्स आर ईटिंग मशीन्स। तो ये लीव, यहाँ पे लीव्स को खा रहे हैं, यहाँ पे इधर लीव खाया हुआ है, तो लेकिन सिर्फ ये सिर्फ कंज्यूम नहीं करते, देखिए यहाँ पर ये पॉलिनेशन भी कर रहे हैं, ये हनी भी दिख रही है एक फ्लावर को पॉलिनेट करते, ये बटरफ्लाई है पॉलिनेट कर रही है, ये तो फूलों का नेक्टर के लिए गई है फूल के पास में, लेकिन इस प्रोसेस में ये जो एंथर्स होते हैं उनको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की पिस्टिल तक या स्टिग्मा तक यूँ कह सकते हैं वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, तो वो पॉलिनेशन का काम करते हैं, और इस वजह से ये सक्सेसफुल हैं, ये को एग्जिस्ट करते हैं प्लांट्स के साथ में। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें कुछ फैक्टर्स हैं इंसेक्ट्स की सक्सेस के, आप ये आप पढ़ सकते हैं कि इनमें क्यूटिकल प्रेजेंट है, टफ एंड वाटरप्रूफ होती है, फास्ट रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है इंसेक्ट्स की, और फ्लाइट जो होती है इनके अंदर फ्लाइट मैकेनिज्म पाया जाता है इंसेक्ट्स के अंदर, विंग्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बट मैकेनिज्म इज प्रेजेंट, देन विंग फोल्डिंग पाई जाती है, विंग फ्लेक्शन मैकेनिज्म, जो नियोप्टेरा है उन इंसेक्ट्स में विंग फ्लेक्शन मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है, इंसुलेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इनमें, फिर साइज जो है तो इंसेक्ट्स का स्मॉल होता है इससे बच जाते हैं, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, देयर इज वेरिएशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, देन सेंसरी सोफेस्टिकेशन होता है इंसेक्ट्स के अंदर, इवोल्यूशनरी इंट्रैक्शन पाया जाता है इनके अंदर, तो इस तरीके से जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं वो आपको पता ही है। तो आप इस टेबल को आप एक बार और ध्यान से देख सकते हैं अच्छे से, एंड यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सक्सेस ऑफ इंसेक्ट्स। So that's all guys for today. Thanks for watching.